शैतान। तो बॉलीवुड की एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी का बेहतरीन ट्रेलर आ चुका है, स्टारिंग अजय देवगन, ज्योतिका एंड आरा माधवन। पहले तो कैसा है ये ट्रेलर और क्या बॉलीवुड की एक अच्छी हॉरर मूवी बना सकता है, और चलो बताता हूँ। तो शैतान एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी होने वाली है, जिसका टॉपिक वशीकरण यानी कि हिप्नोटिज्म और डार्क मैजिक इन सब के ऊपर बेस्ड होने वाला है, जहाँ हमें एक फैमिली और उसके ऊपर एक शैतान का वशीकरण दिखाया जाएगा। यहाँ शैतान का रोल कर रहे हैं आर माधवन, और भाई क्या ही खतरनाक उनका लुक और परफॉर्मेंस लग रहा है। वही हमें अजय देवगन और ज्योतिका भी मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, जिनके साथ इस मूवी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाली है जानकी वो दिवाला, जिनका परफॉर्मेंस ट्रेलर से काफी अच्छा लग रहा है। देखो मूवी की कास्टिंग तो काफी बढ़िया है, लेकिन जिनको नहीं पता तो बता दूं, मूवी रीमेक है एक गुजराती मूवी वस की, जो कि लास्ट ईयर 2023 में ही रिलीज हुई थी, और इसके रिलीज का बस अभी एक ही साल हुआ है, और बॉलीवुड ने इसका रीमेक बना के हमारे सामने प्रेजेंट भी कर दिया, विच क्वाइट इम्प्रेसिव। लेकिन एक डर भी है कि इतनी जल्दी इन्होंने क्या ही बना दिया होगा। तो भाई इसका भी आंसर सिंपल है, अजय देवगन, क्योंकि इसकी गुजराती मूवी काफी ज्यादा हिट हुई थी, मैंने नहीं देखी पर इसका नेम काफी ज्यादा सुना था, तो अजय देवगन ने इसके राइट्स खरीदे और इसका रीमेक तुरंत बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। और रीमेक में अजय देवगन का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, जैसे कि उनकी दृश्यम मूवी जिसमें कि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। सिमिलरली इस मूवी में भी वो एक फादर का रोल कर रहे हैं, जो अपनी बच्ची को शैतान से कैसे बचाएगा, मूवी में ये हमें देखने को मिलेगा। और अजय देवगन पे तो मुझे पूरा भरोसा है, ये हमें कुछ बढ़िया ही देंगे, बस इसका हाल भोला जैसा ना हो। बट ऐसा ना होने के भी एक चांसेस ये है कि मूवी को विकास पाल डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनकी फिल्मोग्राफी का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, लेकिन शिव गणपत मूवी को छोड़ दिया जाए तो कह सकता हूं कि मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशन मेरी 50-50 है। ऊपर से अब मूवी एक साल के अंदर ही हमें रीमेक बन के देखने को मिल रही है, पर इसका एक मेजर रीजन जो मुझे लगता है वो है कि पूरी मूवी एक हाउस के अंदर ही टेक प्लेस करती है, जहाँ ट्रेलर के मेजोरिटी ऑफ शॉट इसी घर के ही देखने को मिलते हैं, सिर्फ कुछ सीन को छोड़कर, जो कि प्रॉब्ली मूवी का क्लाइमैक्स हो सकता है, जिससे इसकी एंडिंग का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर एंड में कुछ ट्विस्ट देखने को मिल जाए तो क्या ही सरप्राइजिंग होगा। बात करें पूरे ट्रेलर की तो ट्रेलर काफी अच्छा था, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा लग रहा, और जो हॉरिफाइंग सीन दिखाए गए हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। ऊपर से इसकी जो रीमेक मूवी वस थी उसके ट्रेलर को और शैतान के ट्रेलर को कंपैरिजन करोगे तो मैं शैतान का ट्रेलर काफी ज्यादा ग्रैंड स्केल पर देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी मूवी सुपर नेचुरल हॉरर है, और इंडिया में इस कैटेगरी में हमें बढ़िया मूवी कमी देखने को मिलती है, लेकिन इस शैतान मूवी से मेरी थोड़ी बहुत उम्मीदें तो जरूर है। मूवी आ रही है 8 मार्च को। ट्रेलर तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और इस हॉरर मूवी से तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है मुझे जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।